कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 दिन के अवकाश के बाद रविवार को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले पहुंच चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दर्रा मुंडा में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ प्रदेश में 4 दिवसीय यात्रा की शुरुआत की। कांग्रेस नेताओं और समर्थकों की एक बड़ी भीड़ चौराहे पर जमा हो गई और गांधी के पीछे चल पड़ी। एक खुली जीप में राहुल गांधी के साथ राज्य कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट, राज्य पार्टी प्रमुख दीपक बैज और विपक्ष के नेता चरणदास महंत मौजूद थे। अच्छा अलंकार, मुझे 2-3 टॉफी दो, पहले पहले काम, जरूरी काम करते हैं, पहले और दो। ये लो, तुम्हारा नाम क्या है? निभा, ये लो। हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, भव्या। तुम्हारा? सिमोन। तुम्हारा? तो मेरे सामने आज 4 बच्चे बैठे हुए हैं, ऊपर दिख रहे हैं आप सबको, तो ये हमारे देश के भविष्य हैं। भविष्य हैं या नहीं? अरे भाई थोड़ा दे तो। हम भारत क्यों? क्योंकि हम इनके लिए एक ऐसा देश चाहते हैं जहां नफरत, हिंसा ना हो। और ये आप इनको जैसे आपके बेटे हैं, बेटियां हैं, उनके जैसे देखो। तो आज हो क्या रहा है? आज देश में कोने कोने में नफरत फैलाई जा रही है। कोई कहता है तुम तमिल बोलते हो इसलिए तुम हमें अच्छे नहीं लगते, कोई कहता है तुम बंगाली बोलते हो इसलिए तुम हमें नहीं अच्छे लगते, कोई कहता है तुम हिंदी बोलते हो इसलिए तुम हमें अच्छे नहीं लगते, तुम उर्दू बोलते हो इसलिए तुम हमें अच्छे नहीं लगते, या फिर तुम जम्मू कश्मीर के हो इसलिए तुम्हें हम अच्छे नहीं लगते, तुम मणिपुर के हो इसलिए तुम्हारा चेहरा हमें अच्छा नहीं लगता, तुम छत्तीसगढ़ के हो इसलिए तुम हमें अच्छे नहीं लगते। ये देश में कोने कोने में फैलाया जा रहा है, सही बात है। और इससे देश मजबूत नहीं होता है, इससे देश कमजोर होता है। जैसे घर में फूट पड़ती है, भाई भाई के बीच में लड़ाई होती है, परिवार मजबूत नहीं होता। इसी प्रकार बीजेपी और आरएसएस के लोग सब जगह नफरत फैला रहे हैं। तो यात्रा का यही लक्ष्य है कि जो हमारे हमारा जो भविष्य है उनको एक मोहब्बत भरा हिंदुस्तान मिले। अब देखो, 4000 किलोमीटर हम चले कन्याकुमारी से कश्मीर, और आप जैसे लाखों लोग हमसे मिले, और मुझे क्या पता लगा कि इस देश में, इस देश का डीएनए नफरत का डीएनए नहीं है, इस देश का डीएनए मोहब्बत का डीएनए है। ये देखो, मैंने जैसे ये बात बोली सबने ताली बजाई, क्योंकि ये देश मोहब्बत का है, भाईचारे का देश है। इसमें अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, के लोग, अलग जात के लोग, अलग सोच के लोग, और सब मिलकर प्यार से रहते हैं। अब पिछले साल क्या हुआ, बहुत सारे लोग हमारे पास आए, उन्होंने कहा देखिए आप कन्याकुमारी से कश्मीर चल लिए, 4000 किलोमीटर आप लोगों से मिले, लोगों से आपने बात की, उनकी जो मुश्किलें हैं वो समझी, मगर आप छत्तीसगढ़ तो नहीं आए, आप मणिपुर तो नहीं आए, आप साउथ से नॉर्थ चले मगर मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड इधर तो आए नहीं, इसलिए हमने दूसरी भारत जोड़ो यात्रा शुरू से लेकर महाराष्ट्र, और इसलिए मैं आपके आज सामने खड़ा हूं। अब इसमें हमने
न्याय सब जोड़ दिया, हमने इसको भारत जोड़ो न्याय यात्रा कहा है। क्यों? क्योंकि हमें पता लगा जो हिंसा नफरत फैल रही है वो अन्याय के कारण फैल रही है। अगर आप मुझसे पूछते कि पहली भारत जोड़ो यात्रा में आपने क्या समझा, तो मैं आपको बताऊं, बीजेपी फैला रही है उसका कारण देश में अन्याय है। किस प्रकार का अन्याय? आर्थिक अन्याय, सामाजिक अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, मजदूरों के खिलाफ अन्याय, महिलाओं, ये पांच तरीके के अन्याय देश में आपको सब जगह मिलेंगे। आप भाषण देने से डरती तो नहीं हो ना, घबराती तो नहीं हो ना? अच्छा, आप थोड़ा अब मुझे आप बताओ, आप अन्याय के हिंदुस्तान में रहना चाहती हो? नहीं, न्याय चाहती हो या अन्याय चाहती हो? मैं न्याय चाहती हूँ। आप हिंसा का हिंदुस्तान चाहती हो, नफरत का हिंदुस्तान चाहती हो, या मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहती हो? मैं मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहती हूँ। आप मोहब्बत का हिंदुस्तान क्यों चाहती हैं? क्योंकि मुझे अपने भारत देश से बहुत प्यार है। ये देखो कि देखो कितनी कितनी मैं अपने देश में नफरत नहीं चाहती हूं, क्योंकि मैं अपने देश से प्यार करती हूं। तो कितने साल की हो तुम बेटा? 10 साल की बच्ची ने कहा कि जो लोग देश में नफरत फैलाते हैं वो देश प्रेमी नहीं है। ये देखिए, इसने सीधा कह दिया 2 मिनट में। अच्छा, अब मुझे बताओ, बड़ी होके क्या बनना चाहती हो? मैं बड़ी होके एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। और आप बड़ी होके क्या बन...